नमस्कार किसान भाइयों, मैं योगेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल में। किसान भाइयों, पशुओं के थन में कई प्रकार की बीमारियां होती रहती है, जैसे एक थन से दूध का कम निकलना या उसके थन से छीछड़े निकलना या थन से लाल दूध का निकलना। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम देसी और प्राकृतिक तरीके से थन गाय के थन के किसी भी प्रकार की बीमारी के इलाज को ठीक करने के बारे में आज हम जानेंगे। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको देसी तरीका का बताएंगे जिसका कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसा जैसा आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, आपको उसको पूरी तरीके से पालन करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें किस प्रकार से कैसे इस विधि का पालन करना है। तो किसान भाइयों, ये हमने देसी कपूर ले लिया है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यह देसी कपूर है, इसका उपयोग हमें करना है। किसान भाइयों, आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है, मार्केट में एक मोम का कपूर मिलता है जिसका उपयोग सामान्यतः हम लोग पूजा के लिए करते हैं, तो उसका हमें उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ये कपूर आपको किसी भी औषधि की दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो ये देसी कपूर है, इसका उपयोग हमें लगभग 5 ग्राम करना है। तो ये आप देख सकते हैं, यह लगभग 5 ग्राम का होगा, इसका उपयोग हमें करना है। और ये आप देख सकते हैं, ये केला का उपयोग हमें करना है। केला में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा होती है, तो इसका हमें उपयोग में लाना है। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, केला और कपूर। तो इसको हम ये चीरा लगा देते हैं, थोड़ा गहराई से इसको हम चीरा लगाएंगे, फिर इसके अंदर हम इसको डाल के अपने पशु को दे देंगे। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हम इसके अंदर कपूर को डाल दिए हैं, ऐसा ही हम ठीक इसके साथ भी करेंगे। तो इसके अंदर भी हम इसको ऐसे डाल देते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो तैयार हुआ है वह दो गायों के लिए मैंने तैयार किया हुआ है। ऐसा अगर आप अभी सुबह देते हैं तो ऐसा ही ठीक आपको शाम को देना है। इसका रिज़ल्ट आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा, आपको इसका रिज़ल्ट 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये जानकारी दे दी है, फिर आपको इसको उपयोग में लेना है और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये देसी और प्राकृतिक तरीका काम में आया कि नहीं आया। तो ये पूरी तरीके से तैयार है, अब हम इसको अपने पशु को दे देते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से और अच्छी तरीके से दोनों गाय ने ये खा लिया। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।